गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज नागपुर में पत्र परिषद के माध्यम से पत्रकारों से संवाद साधा और बीजेपी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वे चुनाव को किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। प्रमोद सावंत ने पत्र परिषद में बताया कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति से लेकर समाज की अंतिम स्तर को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। साथ ही इससे पहले जो वादे मोदी सरकार ने किए थे वो पूरे किए हैं और आगे भी इसी गारंटी के साथ मोदी सरकार 2024 के चुनाव में उतरी है। के बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार, इसी लाइन पे मोदी जी की गारंटी, फिर एक बार थर्ड टर्म में माननीय मोदी जी की सरकार आने वाली है। और इस मोदी जी की सरकार आने के लिए पूरे देश भर में सभी लोगों को मोदी जी के गारंटी के ऊपर विश्वास है। और उसी गारंटी के साथ महाराष्ट्र में भी मैक्सिमम सीट NDA को मिलने वाले हैं। आज़ादी के अमृत काल में माननीय मोदी जी ने विकसित भारत 2047 की नींव रखी और उसी तरफ जाते हुए हमें जो 10 साल में जो काम करके इस देश को दिखाया, कांग्रेस के लिए 50 साल में पॉसिबल नहीं हुआ था, वो काम माननीय मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। हम जो कहते हैं कि उनकी सरकार 2004 से 2014 तक थी, लेकिन एक भी स्कीम जो हम बोलते हैं कि लोगों के लिए उन्होंने की नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी ने 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में क्लीन इंडिया से लेकर फिट इंडिया तक, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंडअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, DBT हो, इस सभी तरह से सिर्फ 4 पिलर पे काम किया, खास करके नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति और गरीब कल्याण, सभी सेक्शन ऑफ द पीपल को टच करते हुए यानी जो काम किया वो काम अंत्योदय तक है, जो द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, जिस तक कोई पहुंचा नहीं था आज तक, उस तक पहुंचाने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया है। इसके साथ ही पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी सबके लिए है, कांग्रेस की तरह जुमलेबाजी बीजेपी नहीं करती, ऐसा कहकर कड़ा तंज भी कसा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।